दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सियासत के अंदर कई किस्से ऐसे होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं, और इसे आप यूं मान लीजिए कि कई बार नेता एक दूसरे के सामने होते रहते हैं, यानी कि एक चुनाव से लेकर के और अगला चुनाव और अगले चुनाव से अगला चुनाव और अगले चुनाव से अगला चुनाव, और कहें तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी चुनाव में आमने सामने होते हैं, और कई बार इस प्रकार के चुनाव नज़ीर बन जाते हैं। मैं आपसे बात करने चला हूं ऐसे ही दो नेताओं की, दो नेताओं की कह दें या दो नेताओं के परिवार की कह दें। एक तरफ तो एक अकेला नेता है और एक तरफ उनका दूसरी तरफ जो है नेता का पूरा परिवार है। मैं बात कर रहा हूं पूर्व सांसद जयप्रकाश की, जेपी के नाम से जो मशहूर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं कुलदीप बिश्नोई की, भारतीय जनता पार्टी के आज बड़े नेता हैं, राजस्थान के सह प्रभारी थे, बेटे विधायक हैं, खुद कई बार सांसद रह चुके, बस सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या कहीं मंत्री नहीं बन पाए। तो ये दो नेता हैं, एक जेपी और दूसरी तरफ ये कह दें कि सीधे सीधे चौधरी भजनलाल का परिवार, कई चुनाव में आमने सामने हो चुके हैं, और अब चर्चा चल पड़ी है कि क्या एक बार फिर आमने सामने होंगे हिसार के अंदर, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि उनके मन में भी चल रहा है और कुलदीप बिश्नोई कह भी रहे हैं कि हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अगर वर्तमान के हालात देखें तो लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तैयारी कर रहे हैं जेपी को चुनाव लड़वाने की हिसार लोकसभा से। आपको पहले तो ये बता दें कि ये आमने सामने कब हुए, तो जयप्रकाश एक बार चुनाव हार चुके हैं चौधरी भजनलाल से। चौधरी भजनलाल के सामने चुनाव मैदान में थे, जयप्रकाश सांसद का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में आमने सामने थे चौधरी भजनलाल और जयप्रकाश, और उस चुनाव में जयप्रकाश यानी कि जेपी चौधरी भजनलाल से हार गए थे, और एक चुनाव हार चुके हैं जेपी कुलदीप बिश्नोई से, और कुलदीप बिश्नोई से चुनाव हारे, वो भी लोकसभा का चुनाव था, वही हिसार की भूमि थी, और हिसार से चुनाव में जेपी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी से प्रत्याशी थे, और आमने सामने के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई से हार गए थे जयप्रकाश, और तीसरा चुनाव हारे आदमपुर से। विधानसभा का उपचुनाव जो अभी पिछले साल हुआ, आदमपुर से विधानसभा के उपचुनाव को हार गए जेपी, और उनको हराया भव्य बिश्नोई ने, चौधरी भजनलाल के पुत्र ने, कुलदीप बिश्नोई के पुत्र ने, यानी कि चौधरी भजनलाल के पुत्र और कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई ने आदमपुर से विधानसभा का उपचुनाव हराया जयप्रकाश को। और अब चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि जयप्रकाश कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं हिसार से, और कुलदीप बिश्नोई तैयारी कर रहे हैं हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ने की। हालांकि इस तैयारी से, यानी कि अगर कुलदीप बिश्नोई तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है, या वो तैयारी कर रहे हैं, तो टेंशन तो वो और भी कई लोगों को दे रहे हैं। लेकिन मैं बात आपसे कर रहा हूं जयप्रकाश की, यानी कि जेपी की, और उनके सामने चौधरी भजनलाल की, चौधरी भजनलाल के परिवार की। अगर हम माने तो राजनीति के अंदर वजूद की बात करें तो चौधरी भजनलाल का बहुत बड़ा अस्तित्व रहा है, बहुत बड़ा वजूद रहा है राजनीति के अंदर। हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल, और 2005 के अंदर जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ था, वो चुनाव भी, उस चुनाव के बाद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार चौधरी भजनलाल थे। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो भी कुछ चला उस समय का, जो भी माहौल था, उसके लिहाज से चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि गांधी परिवार नाराज था, कांग्रेस आला कमान नाराज था, सोनिया गांधी नाराज थी, और चौधरी भजनलाल के हाथ से वो कुर्सी, वो ताज निकल गया जिसके लिए वो बैठने को ललायित थे, यानी कि चौधरी भजनलाल सीएम नहीं बन पाए थे 2005 के चुनाव में। और उसके बाद चौधरी भजनलाल अलग हो गए थे कांग्रेस से, अलग से जनहित कांग्रेस बना ली थी, और चौधरी भजनलाल की राजनीति के जो राजनीतिक वारिस हुए, वो हुए कुलदीप बिश्नोई। जनहित कांग्रेस के नाम से, हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से अलग पार्टी बनी, चौधरी भजनलाल ने उपचुनाव लड़ा, और उस चुनाव के अंदर चुनाव जीते चौधरी भजनलाल लोकसभा का भी, उसके बाद में एक बार फिर चुनाव जीते लोकसभा का, लेकिन जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी थी वो चली गई और चौधरी भजनलाल का देहावसान हो गया। चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत संभाले हुए हैं, संभाले रहे उस समय भी, और आज भी उनके राजनीतिक विरासत संभाले हुए हैं कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई ने भी चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, विधानसभा के चुनाव में जीते भी सही, और 2009 के चुनाव में एक बार स्थिति ऐसी बन गई थी कि जैसे कुलदीप बिश्नोई किंग मेकर बनकर उभरते, लेकिन करते क्या कि अपने ही विधायक धोखा देकर चले गए, साथ छोड़ के चले गए। छः विधायक बने थे, छः में से पाँच
विधायक छोड़ गए और अकेले रह गए कुलदीप बिश्नोई। और 2014 के चुनाव तक भी कुलदीप बिश्नोई लगे रहे। 2014 का चुनाव अपने बूते लड़ा हरियाणा जनहित कांग्रेस से और दो विधायक बने पति पत्नी दोनों, कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई। बाद में जब लगा कि कहीं बात नहीं बनेगी और राजनीतिक रूप से जब लगा कि कहीं इस प्रकार हाशिए पे ना आए तो चले गए कांग्रेस में। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे उस समय कुलदीप बिश्नोई। और 2019 का विधानसभा चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, अपनी पार्टी का जो विलय कर दिया 2016 के आसपास में, और विलय करने के बाद में 2019 का विधानसभा चुनाव लड़े। आदमपुर से चुनाव लड़े कुलदीप बिश्नोई, चुनाव जीत गए, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। और बात यहाँ तक बिगड़ी कि हरियाणा कांग्रेस का जब चौधरी उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कुलदीप बिश्नोई ने छोड़ दी कांग्रेस, शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, रिजाइन दे दिया विधायक पद से और अपने बेटे को विधायक बनवा लिया, टिकट दिलवा दिया हरियाणा से। जो आदमपुर के विधानसभा उपचुनाव जो हुआ उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का बेटे को टिकट दिलाया, बेटा विधायक बन गया। हालांकि सरकार में मंत्री बनाना चाह रहे थे, वो बात तो आज तक बनी नहीं। और अगर अब बात करें जेपी की, जयप्रकाश की, तो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला के ओम प्रकाश चौटाला के साथ ही रहे जयप्रकाश, और हरियाणा की राजनीति के अंदर जेपी का भी अपना नाम है। चौधरी देवीलाल के सानिध्य में रह करके, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला में रह करके राजनीति करने वाले जेपी 1987 में जब चौधरी देवीलाल की हरियाणा में सरकार बनी थी तो खूब सक्रिय थे, इतने नज़दीक हुआ करते थे चौधरी देवीलाल के और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के, उनके जो तख्तो ताज को कायम करने के लिए ग्रीन ब्रिगेड बना दी थी और ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया थे जेपी। एक बार सांसद बने चौधरी देवीलाल की टिकट पर, ओम प्रकाश चौटाला की टिकट से चुनाव लड़े लोकदल से, और भारत की सरकार के अंदर मंत्री भी बने। यानी कि इतने नज़दीक थे चौधरी देवीलाल परिवार के कि चौधरी देवीलाल जी ने उनको, जयप्रकाश को मंत्री भी बनवाया, केंद्र के अंदर राज्य मंत्री बने। और उसके बाद में कुछ ऐसा समय आया कि जब ओम प्रकाश चौटाला से दूरियां हो गई, आज़ाद चुनाव भी लड़ा, आज़ाद चुनाव लड़ के भी समर्थन कांग्रेस को दिया, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस से विधानसभा का टिकट मिला तो, लेकिन चुनाव हार गए कलायत से। फिर उपचुनाव आया तो उपचुनाव के अंदर कांग्रेस ने आदमपुर से प्रत्याशी बना दिया और आदमपुर के उपचुनाव को हार गए जयप्रकाश। मान लीजिए कि चौधरी भजनलाल की तीनों पीढ़ियों से चुनाव हार चुके हैं जयप्रकाश, चौधरी भजनलाल से भी हार चुके हैं चुनाव, चौधरी भजनलाल से चुनाव हारने के बाद में कुलदीप बिश्नोई से भी चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का, और विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं भजनलाल जी के पुत्र से, कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई से, और चैलेंज दिया करते हैं कुलदीप बिश्नोई को। अब भी कुलदीप बिश्नोई ने उनके चैलेंज का जवाब दिया कि तीन पीढ़ियों से तो चुनाव हार चुके हैं और कितना हारोगे, अब ये राजनीति है, राजनीति के अंदर जीत और हार, शय और मात का खेल चलता रहता है और ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहता है हमेशा सूबे की राजनीति को भी और राजनेताओं को भी। अब आपको क्या लगता है, जिस प्रकार जयप्रकाश दम ठोक रहे हैं और लगता ही है कि क्या वो हिसार से लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई को अपना प्रत्याशी बना सकती है, और क्या एक बार फिर वो परंपरागत विरोधी यानी कि जो चौधरी भजनलाल का परिवार तीन बार हरा चुका है जेपी को, क्या एक बार फिर चुनाव में आमने सामने होंगे, वो चुनाव कौन सा हो सकता है, क्योंकि आदमपुर में उपचुनाव भी लड़े हैं तो क्या आदमपुर के उपचुनाव में भी जो अगला चुनाव होगा विधानसभा का वहाँ भी सामने हो सकते हैं क्या, और या फिर लोकसभा में आमने सामने हो सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।